दुर्ग शहर के पदमनापुर थाना क्षेत्र में बीती रात युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। आपसी विवाद के बाद युवक पर चाकू व डंडे से शरीर पर कई बार वार कर युवक फरार हो गए गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी घटना की सूचना के, के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी सहित तो तीन आरोपियों गिरफ्तार किया है दुर्ग शहर के पद्मनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। आपसी विवाद के बाद युवक पर चाकू व डंडे से वार किया गया युवक के पीठ व शरीर पर कई बार वार किए गए हैं और वार करके युवक फरार भी हो गए गंभीर रूप से घायल युवक को हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गयी घटना की सूचना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा बताते मृतक युवक का नाम शुभम बंदे उम्र 20 वर्ष निवासी बोरसी बताया गया है शुभम बंदे टाइल्स लगाने का काम किया करता था सोमवार की रात करीब 11 से 12 बजे के बीच शुभम बंदे का कुछ युवकों से पुरानी बात को लेकर विवाद हो गया विवाद इतना बढ़ा कि युवकों ने उस पर चाकू व डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और युवक के पेट व पीठ पर चाकू मारकर सभी फरार हो गए गंभीर रूप से घायल युवक को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया परिजन उसे जिला अस्पताल से निजी अस्पताल ले ही जा रहे थे इस दौरान उसकी मौत हो गई घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की पदमनापुर पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस मामले का खुलासा पुलिस के द्वारा किया जाएगा ए न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट